1000 का नोट होगा बंद, आरबीआई का बड़ा ऐलान। सितंबर तक बैंक में बदल सकेंगे नोट। 23 मई से शुरू होगा नोट बदलने का काम, लेकिन 20,000 से ज्यादा वालों के लिए 2000 का नोट बनेगा ऑफर। इधर नोटबंदी को लेकर गोड्डा के विधायक ने कह दी बड़ी बात, उधर गोड्डा की जनता भी हुई त्रस्त। अगर आपके पास भी है 2000 का नोट तो फटाफट कर ले ये काम, नहीं तो होगा बड़ा नुकसान। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपए के नोट को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। आरबीआई 2000 रुपए के नोट चलन से हटाएगा। हालांकि ये नोट 30 सितंबर तक लीगल टेंडर में बने रहेंगे। आरबीआई ने बैंकों से 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपए के नोट जमा करने या एक्सचेंज करने की सुविधा देने के लिए कहा है। इसका मतलब है कि 30 सितंबर तक ही 2000 के नोट चलेंगे, इसके बाद सभी 2000 के नोट बंद हो जाएंगे। आरबीआई का कहना है कि 23 मई 2023 से किसी भी बैंक में एक समय 2000 रुपए के नोट को दूसरे कीमत के नोटों में बदलने की सीमा 20,000 रुपए तक की जा सकती है। आरबीआई के इस फैसले से जहां एक ओर गोड्डा की जनता परेशान है, वहीं गोड्डा के विधायक अमित मंडल ने बड़ी बात कह दी। 2000 नोट पे जो है आरबीआई ने रोक लगा दिया, 31 तारीख तक जमा करने का आदेश दिया है। जिनके पास भी है वो 31 तारीख तक जो है जमा करा दे। अब विपक्ष ये कह रही है कि ये बीजेपी का षड्यंत्र है और बीजेपी के लोग इस तरह का काम करते हैं। पिछले बार जिस तरीके से लोग लाइन में लगे थे और उसके बाद जो कुछ हुआ था, कितनों का मौत हुआ था, कितने लोग बीमार पड़ गए थे, ये बीजेपी लोग का जानबूझकर इस तरह का किया जा रहा है। क्या कहेंगे इस पर? इसमें विपक्षी कौन प्राइमरली कौन या इल्ज़ाम लगा रहा है? कांग्रेस। कांग्रेस लगा रहा है। अभी देखिए कि कांग्रेस को सबसे ज़्यादा दर्द होता है, हर चीज़ में उनको दर्द होता है। और कांग्रेस की जहाँ जहाँ सरकार है और ईडी जहाँ जहाँ छापे मार रही है, तो हर जगह आप देखें कि एकदम बंडल का बंडल और बोरा का बोरा नोट निकल रहा है, और नोट 2000 का होता है। तो मुझे लगता है कि वैसे लोगों को दर्द होता है जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस चीज़ से प्रभावित हो जाएंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा आम जनता को दिक्कत नहीं होगी, समय भी दिया गया है सरकार के द्वारा, और जब आपके पास लेजिटिमेट नोट रहेगा तो बदलने में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत उनको है जिनके पास लेजिटिमेट नोट नहीं है और बोरा का बोरा नोट है। अब वो कहाँ से आया, कैसे आया है, इस तो 30 तारीख तक वो स्टेट लाइन को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि वैसे लोगों को निश्चित तौर पर दिक्कत होगा जहाँ पर ये गलत तरीके से नोट का संग्रह किया गया है, और आम जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके पास है कि नहीं 2000 का नोट? अभी फिलहाल तो मेरे पास पर्ची नहीं, हम 500 का नोट ज्यादा रखते हैं क्योंकि वो आसान होता है किसी को भी देना, दुकानदारी करना। 2000 बड़ा नोट हम रखते ही नहीं उतना बड़ा। अच्छा, पास में नहीं रखते हैं कि है भी नहीं? बैंक में मेरे रहता है। बैंक का ट्रांजेक्शन, पेटीएम का जमाना है, पेफोन का जमाना है, तो वो ज्यादा आसान है। मोदी जी ने डिजिटलाइज इंडिया कर दिया है तो ज्यादा आसान है मेरे लिए वो करना। मतलब कहीं पैकेट आपका नहीं है, अटैची नहीं है? नहीं, अटैची तो है, ऐसे कपड़ा है उसमें और दिनचर्या का सामान है। पैसे का अटैची नहीं है? पैसे भी होगा तो 500 रुपया तो होगा निश्चित होगा, लेकिन 2000 बहुत बड़ा नोट। अब विधायक जी के पास 2000 नहीं मिले, ये भी थोड़ा सोचने वाली बात है। इसमें तो आपको एक जांच कर लेना चाहिए और मेरा बैग भी एक बार देख लेना चाहिए, उसमें मुझे लगता है कि दिनचर्या का सामान निकल के आएगा, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। लेकिन ऐसे में लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ सकती है। जिन लोगों के पास 20,000 से ज्यादा की रकम है, उन्हें कई दिनों तक बैंक में दौड़ना पड़ सकता है, लंबी लंबी लाइनों का भी सामना करना पड़ सकता है। वहीं कुछ ऐसे छोटे दुकानदार भी हैं जो 2000 का नोट लेने से अब कतरा रहे हैं। आइए जानते हैं इस नोटबंदी पर गोड्डा की जनता क्या कहती है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि ये नोटबंदी जो है ये सिर्फ जो छोटे स्तर के किसान हैं, व्यापारी हैं, उनको ये परेशान करने का स्कीम है। और जब ये नोटबंदी करना ही था तो फिर नया नोट लाना नहीं था। 2016 में आप नया नोट लाके इतना लॉस दिए, क्योंकि जितना नोट का वैल्यू नहीं था उससे ज़्यादा नोट छपाने का पैसा लग गया। और फिर अभी ये नोट बंद होगा और फिर ये नोट बंद होगा, नोट बंद होने के बाद फिर नया नोट छपेगा, अब फिर उतना खर्चा होगा। आखिर पता नहीं मोदी सरकार को रात में क्या क्या आता है, नरेंद्र मोदी को सपना। लेकिन ये तो आरबीआई का फैसला है, ये आरबीआई का फैसला है। आरबीआई का आपको याद होगा कि जिस समय 2016 में नोटबंदी हो रही थी उस समय आरबीआई के गवर्नर ने इस्तीफा दे दिया था, ये कह के कि जितना हमने नोट छापने में खर्चा किया उतना काला धन वापस नहीं आया। आप देखे होंगे कि जितना पैसा जमा हुआ 99% हजरिया जब जमा हो गया तो फिर काला धन कहां गया, ये आप मोटा मोटी समझ लीजिए। अभी जो बौखलाए हुए हैं, इनकी सरकार अभी कर्नाटक में गई है और अभी उलझन पैदा करके ये सिर्फ पब्लिक को उलझाना चाह रही और कुछ नहीं है। इसमें फायदा
किसी मध्यवर्गी को या जो नॉर्मल किसान है उनको नहीं है, हो सकता है पूंजीपति को फायदा हो जाए। फायदा कहाँ होगा पूंजीपति के पास, तो अगर नोट होगा तो वो नहीं, नहीं पूंजीपति के पास फायदा होगा। आप जानिए रहे हैं कि आप जब अगले बार नोटबंदी हुआ था कितने बड़े पैसा वाले लाइन में लग के नोट बदले थे, आपको ये भी दिन याद होगा। उसी तरह पैसा वाइट हो जाएगा यहाँ पे, आपको पता होना चाहिए। अगले बार जो गरीब तबके के व्यक्ति थे, जो छोटा पेंशन पाने या वेतन पाने वाले व्यक्ति थे, या छोटा छोटा जो रोजगार करने वाला आदमी था, वो बेचारा लाइन में लग के नोट बदलता था। आप बताइए गोड्डा जिला में कितने बड़े उद्योगपति थे जिन्होंने लाइन में लग के नोट को बदला, उनका पैसा वाइट कैसे हो गया? 2000 का नोट तो हमको लगता है कि लगभग एक साल से देखे नहीं है, कभी कदाल आता है एक आठ नजर। और 2000 नोट बंद हुआ तो एक तरह से समझिए अच्छा हुआ है, क्या कि बहुत जो है काला धन जो है जमा हो चुका है। हालांकि आरबीआई को उम्मीद है कि बैंकों से नोट बदलने के लिए लोगों के पास 4 महीने का समय काफी है। चलन में चल रहे 2000 रुपए के ज्यादातर नोट 30 सितंबर की तय समय सीमा के भीतर बैंक में वापस आ जाएंगे। ये आरबीआई की रूटीन प्रोसेस है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। बता दें आरबीआई साल 2018-19 से 2000 के नोट की छपाई बंद कर चुका है। कहना क्या है, आरबीआई को जो उचित लगता है वह अपना गाइडलाइन निकालती है और जनता को उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि एक सामान्य जनता को इस तरह के चीज़ों से नियमावली से किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने वाली है। समस्या उसको होगी जो 2000 का पूरा गड्डी का गड्डी अपने अलमारी में भर के रखे हैं या अटैची में रखे हैं या घरों में दबा के रखे हैं, उन लोगों को परेशानी होगी। जो पिछले दिनों आप देखते हैं कि ईडी का जो छापामारी होता है और उस क्रम में जो नोट निकलता है 2000, तो आपके पास है कि नहीं 2000 का? 2000 तो हमको लगता है कि 2 साल से हम छुए तक नहीं।